और देवोनिता की मेहंदी की रस्म के बीच कहानी में आएगा एक बहुत बड़ा मोड़। आगे आगे देखिए कयामत की कहानी में होता है क्या। रवि जैन, स्टार न्यूज, मुंबई। पता है क्या, साधना की सास बदल गई है। जी हाँ, ना ही वो साधना को परेशान करती है, ना ही तंग करती है, और तो और अपनी साधना भी अपनी सास से अब नहीं डरती, बल्कि इन दोनों को देखकर तो लगता है कि दोनों के बीच बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता है। मैं यकीन नहीं आता, तो चलिए आज आपको मिलवा ही देते हैं साधना की इस नई सास और सारा खान से। बदल गई है साधना की सास। अपनी नई सास से साधना डरती नहीं, बल्कि बेहद प्यार करती है, और सासू माँ भी अपनी इस बहू को पलकों पर बैठा कर रखती है। सच कहे तो इनका रिश्ता सास बहू का नहीं, बल्कि दो दोस्तों का लगता है। चौंक गए ना आप, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये सारी कहानी सीरियल विदाई की नहीं, बल्कि साधना यानी सारा खान की असल जिंदगी की है। और यहाँ बात हो रही है सारा खान की होने वाली सासू माँ की, जिनके साथ सारा को आजकल काफी वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हड़ताल के कारण सारा को शूटिंग से छुट्टी मिल गई है। शी इज माई वुड बी मदर इन लॉ एज अली इज मम्मा। सो नाउ आई विल आस्क हर कि इन्हें कैसा लग रहा है, काफी लंबी छुट्टियां हम दोनों को साथ में मिल गई हैं, तो हाउ शी इज फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग सो नाइस, आई कैन बी विद बोथ द चिल्ड्रन इन द हाउस। और अब बहुत दिनों के बाद, काफी टाइम के बाद हम लोग साथ में बैठ के हम लोग साथ में डिनर लंच सब कर सकते हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। वैसे हम आपको बता दें कि हाल ही में अली और उनके परिवार वाले सारा के माता पिता से मिलने भोपाल गए थे, और अली और सारा के रिश्ते की बात पक्की भी हो चुकी है। वहाँ पे सबको मिले, वहाँ पे इनके पेरेंट्स को मिले, इनकी जो सिस्टर्स हैं, इनकी फैमिली के मेंबर्स सबको पहचाना, देखा, अच्छा लगा। I think that was our first बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, अली को भी बहुत मजा आया, we all had fun। अली के सारे व्यूज चेंज हो गए। यस, और फिर वहाँ पे ऐसा था ना कि हमको भी उनको देखना था, पहचाना था, इनकी फैमिली मेंबर्स, इनकी मदर, इनकी जो भी पूरी फैमिली को, तो अली को भी मिलना था, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू सी अली, हाउ इज अली, तो अच्छा लग रहा था ऐसा। भाई वाह, लगता है ये छुट्टियां सारा के लिए ढेर सारी खुशियां लाने वाली हैं। अब बात जब छुट्टियों की हो ही रही है, तो जरा सारा से भी जान लीजिए कि वो छुट्टियों का मजा कैसे ले रही हैं। वेल, आप ये सबसे बड़ा वाला टेडी बेयर देख रहे होंगे, दिस द क्यूटेस्ट वन जो मुझे अली ने गिफ्ट किया है। और अच्छा हुआ कि आज ये स्ट्राइक की वजह से आप ये लोग देख पा रहे हैं घर पर, अदरवाइज आप नहीं देख पाते थे, बिकॉज ये हमेशा घर पर रहता है, ये कार में भी नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर ये कार में आ जाएगा तो मेरे बैठने की तो जगह ही नहीं होने वाली है। और बाकी सारे टॉयज ये देखिए, कितने सारे टॉयज, अली गिफ्टेड मी सो मेनी टॉयज, से हाय। एंड दिस वन, ये जो मेरा टेडी बेयर है, क्यूट सा, हम जब आगरा में शूटिंग करने के लिए गए थे तब हमें ये राजन सर ने गिफ्ट किया था, सेम पारुल को भी और मुझे भी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सॉफ्ट टॉयज, वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, एंड वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज किडिश थिंग, तो मुझे अली हमेशा और कुछ गिफ्ट करने के बजाय ऐसी चीजें गिफ्ट करना पसंद करता है। छुट्टियों में ये सबसे बेहतर टाइम पास है, इनके साथ तो कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं लगता। वेल, माय सैजी इज आल्सो नॉट एट होम, क्योंकि वो अभी घूमने गया है बाहर, अदरवाइज सैजी और ये सॉफ्ट टॉयज, दीज आर एवरीथिंग फॉर मी, आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम, और पता भी नहीं लगता कि टाइम कैसे निकलता है। अब अगर छुट्टियां कुछ और बढ़ती हैं, यानी हड़ताल खत्म होने में कुछ और वक्त लगता है, तो अली और सारा की मंगनी हो सकती है। वैसे बात करें रिश्ते जुड़ने की, तो हाल फिलहाल ही में टीवी के कुछ और सितारे भी शादी के बंधन में बंध गए हैं। सबसे पहले बात श्वेता केसवानी की, जो हाल ही में अपने बरिए एलेक्स के संग बंध गई हैं विवाह के अटूट बंधन में। दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते थे, और शादी के मौके पर इन्हें बधाई देने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी, जिसमें कहानी घर घर की के सह कलाकार साक्षी तवर,
अली असगर, रिंकू और किरण करमरकर, बा बहू और बेटी के सहकलाकार जेडी मजीठिया, देवेन भोजानी, बिनाफ, राजेश कुमार और नच पलिए के तीसरे सीजन में उनके साथ थिरक चुके पूजा और हनीफ भी शामिल थे। श्वेता केसवानी के बाद शादी के बंधन में बंधने की बारी थी संदीप रजोरा की। संदीप ने हाल ही में दिल्ली की रहने वाली रोशी राणा के साथ शादी की है और फिलहाल दोनों हनीमून पर हैं। वाकई लगता है रब ने बना दी है इन सभी की जोड़ियां। इन दोनों ही जोड़ियों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आराधना झा के साथ सोमा वैद्य, स्टार न्यूज, मुंबई। भाई वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेना ही पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन वरी नॉट, हम बस यूं गए और यूं आए।